सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गोहाना में उस समय सनसनी फैल गई जब गोहाना में मेडिकल स्टोर संचालक नंदकिशोर का शव बरोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनवास गांव के रोड पर नहर के पास मिला। नंदकिशोर के सिर पर किसी तेज धार हथियार से वार किए गए थे और वो अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ निकला था, लेकिन उसका शव घर के पास मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही सोनीपत बरोदा थाना पुलिस को उसके शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई तो सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी और स्पेशल टीमें मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। नंदकिशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और परिजनों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि नहर के पास एक शख्स का शव पड़ा हुआ है। हमने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शरीर पर चोट के निशान थे और मृतक की पहचान नंदकिशोर के रूप में हुई और परिजनों की शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। जैसे सुबह 9 बजे के करीब चाचा घर से निकल गए हैं रोहतक के लिए, रोहतक जा रहा हूँ मैं। फिर हमारी 10:30 बजे उनसे लास्ट बात हुई है। 10:30 बजे के बाद उनका फ़ोन ऑफ आया है, फिर उनसे बात नहीं हो पाई। उसके बाद फिर हमारे पास 6:15 बजे कॉल आती है कि ऐसे ऐसे बरोदा के पास रजबाए पे ये फ़ोन है तुम्हारे, इनका डेथ हुई हो रही है कि एक बार आ जाओ। तो हमने मौके पर जाके देखा है तो डिग्गी में भी खून वगैरह लगा हुआ था। उनको पहले कहीं मर्डर करके और डिग्गी में डाल के वहाँ लेके आए हैं। फिर हमने देखा है झाड़ियों में गिर रखा था उन्होंने। फिर हमने प्रशासन से गुहार लगाई है, वहाँ FIR करवाई है कि ऐसे ऐसे इनका मर्डर किया गया है। असल पूरी तरह छानबीन करके निष्पक्ष जांच करके हमें न्याय दिलाया जाए, बस प्रशासन से इतना ही गुहार है। क्या नाम है जी? मेरा नाम योगेश है जी। मेरे पिताजी का क्या नाम था? नंदकिशोर जी। किसी पे शक है? किसी को पैसे का लेन देन था? पैसे उनके पैसे तो आने थे जी, पर ये नहीं क्लियर है कि हाँ भाई उनके साथ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। किसी का बोल के गए थे किसी के साथ जाना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला था जी कि रोहतक जा रहा हूँ मैं, कि मैं रोहतक जा रहा हूँ, सिर्फ ये बात हुई थी जी। और इससे अलग कोई भी बात? किसके साथ जा रहे हो ऐसी कोई बात नहीं जी? और इनसे अलग कोई भी बात नहीं हुई। मौके पर जाके देखा तो क्या लगा? मौके पर जाके देखा तो यही लगा जी कि मर्डर कर रखा है। कहाँ कहाँ चोट? सिर पे चोट मार रखी है जी, गोली लगी हुई है सिर पे और डिग्गी में डाल के ला रखा है उनको। जैसे वो था गाड़ी का कवर था तो सारा ब्लड से सना हुआ है और उनको फिर झाड़ियों में नीचे डाल रखा था, गाड़ी से नीचे उतार के नीचे डाल रखा है उनको। कहाँ की घटना थी? ये बरोदा के पास रजबाया है जी, वहाँ की घटना है। बनवासा और बरोदा के बीच में रजबाया है, उस पर रजबाए पे 3-4 किले अंदर जाके गाड़ी खड़ी थी तो हमारे पास कॉल आई, हमने वहाँ मौके पर जाके देखा तो मर्डर था। आज शाम को सूचना मिली थी हमें कि बरोदा से बनवासा रोड पर नहर के पास एक डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास एक गाड़ी खड़ी है। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे थे और मौका पर SHO साहब भी पहुंचे थे और उच्च अधिकारी भी। तो वहाँ मरने वाले का नाम जाकर वहाँ पता किया तो मरने वाले का नाम है नंदकिशोर स्नोप हीरालाल, जो गड्डी उजाले का दरियापुर गौना करने वाला है, जिसकी इस नाम से शिनाख्त हुई है जिसकी। और कंप्लेंट अभी तक देनी है, डेड बॉडी को गौना भेज दिया गया है। कब्जे में लेके? हाँ कब्जे में ले। सुबह पोस्टमार्टम होगा? हाँ सुबह होगा पोस्टमार्टम। सुबह FSL टीम मौके पर आई थी। तो कुछ बताया कि आसपास में किस तरह की? नहीं अभी तक ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है सामने, जैसे ये कंप्लेंट देंगे वैसे ही कार्रवाई अमल में लाएगी। किस तरह से उसको? सर में चोट है, सर में चोट लगने के कारण अभी जो बॉडी को देख के जो भी कारण प्रतीत हुआ वो सर में चोट लगने के कारण ही हुआ।